ट्रांसफरफर ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग और कैरिंग ओवर द नॉलेज स्किल्स हैबिट्स एटीट्यूड्स इमोशंस टू अदर रिस्पॉन्स फ्राम वन ट्रेनिंग सिचुएशन टू एन अदर ट्रेनिंग सिचुएशन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम सिर्फ नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर रहे बल्कि हम स्किल्स हैबिट्स और एटीट्यूड इमोशनस और बाकी तमाम रिस्पांस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से ट्रांसफ़र ले रहे हैं किस चीज़ को जिसको वो इमिटेट कर रहे हैं वो उनकी लैंग्वेज वो उनके एटीट्यूड्स वो उनकी बिहेवियर जितना भी बिहेवियरल पैटर्न है एब्यूज़िव लैंग्वेज इसी तरह से ईटिंग हैबिट्स इसी तरह से स्लीपिंग पैटर्न्स इसी तरह से आ, जो उनके घर के अंदर रहने का एक जो उनकी हैबिट्स हैं अपने पेरेंट्स की ये सारी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो जिसको uh, अब अब ये जो ट्रांसफ़र है uh, इस ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और इंस्ट्रक्शन का क्या ताल्लुक़ है कि हाउ द पेरेंट्स आर टीचिंग देयर चिल्ड्रन टू गेट दीज पैटर्न्स फ्राम दैम हाउ द टीचर इज़ टीचिंग देयर स्टूडेंट्स टू गेट द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड हाउ इट कैन बी पॉसिबल इन अ बेटर वे और पॉजिटिव वे तो ट्रांसफ़र ऑफ़ लर्निंग जो है उसमें हमें यह समझ आनी चाहिए कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होती स्किल्स ट्रांसफ़र होती हैं आपकी हैबिट्स ट्रांसफ़र होती हैं इमोशंस ट्रांसफ़र होते हैं अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनका कॉन्फ्लिक्ट है वो आपस में बहुत लड़ने झगड़ने वाले हैं तो आपने चूँकि ये पैटर्न देखा है कि हम जब लड़ते झगड़ते और रोते हैं तो हमारे मसाइल हल हो जाते हैं तो ये भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो आप तक हो रहा है अब यहाँ पर सिमिलरिटीज़ इसकी बीच में प्रीवियस और एक्चुअल लर्निंग कंटेंट के अंदर जो हैं वो बाज़ एक चीज़ का ट्रांसफ़र आसान भी करती हैं और बाज़त पहले से सीखी हुई स्किल जो है वो दूसरी सिमिलर स्किल को सीखने में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है अगर दूसरी स्किल जो है उसको उसकी वो है तो सेम लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट करके अगर आपको बताई जाए तो वो फिर एक पहली वाली स्किल से दूसरी स्किल को सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है इसमें तीन किस्म के जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो होते हैं एक लेटरल ट्रांसफ़र है इट अकर्स व्हेन लर्नर्स आर एबल टू सॉल्व डिफरेंट बट सिमिलर प्रॉब्लम ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्सिटी एज सोन एज हैव लर्नड टू सॉल्व वन ऑफ दैम जैसे एडिशन का कॉन्सेप्ट है तो पहले दो अमाउंट्स को का एडिशन सिखाया गया फिर तीन फिर चार फिर पाँच तो ये एडिशन के बाद फिर हम उसको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो बेसिकली ये ट्रांसफ़र जो है वो सिम्पल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है और ये है कि वेन लर्नर्स आर एबल टू सॉल्व डिफरेंट बट सिमिलर प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट एक है आपका डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है लेकिन आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है जो कि आप समझ गए हैं कि हाउ टू एड डिफरेंट अमाउंट्स चाहे वो दस हों या दो हों तो उसका वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का चूँकि फार्मूला आप जान गए हैं इसलिए आपके लिए एडिशन जो है वो प्रॉब्लम नहीं है चाहे वो कितनी तो ही अमाउंट क्यों ना हो उसके बाद सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र हैपन्स इन वन एंड द सेम कॉन्टेक्स्ट सीक्वेंस है कि पहले आपने रेसिपी है एक एक किसी भी डिश की तो पहले आपने जी इसको इस तरह अनियन होंगे वेजिटेबल्स होंगी फिर आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं फिर आपने ये तो पूरे जब सीक्वेंस के साथ एक चीज़ को करने की आप चीज़ सीखते हैं चीज़ तो एक ही बनेगी लेकिन उसका सीक्वेंस फॉलो करके आप सीखते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है कि सबसे पहले क्या करना है फिर इसके बाद क्या है फिर इसके बाद क्या है तो ये जो स्टेप्स में आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको सीक्वेंशल ये ट्रांसफ़र कह रहा है उसके बाद तीसरा है जी वर्टिकल ट्रांसफ़र इट रिक्वायर्स लर्निंग एट अ लोअर लेवल टू हायर लेवल कि अब चूँकि आपने एडिशन सीख लिया है कि अब आप वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपको सिखाए जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं है तो उसमें भी एडिशन लेकिन उसमें चूंकि आपने उसके कनेक्शंस जोड़ने हैं कि अगर बी और सी जो हैं बी अग अग जैसे माइनस या नेगेटिव का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है बच्चे को सब्ट्रैक्शन सिखाई जाती है तो सब्ट्रैक्शन जो है उसने सिंपल तो सब्ट्रैक्शन सीख ली है लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें आप स्टेटमेंट्स के साथ पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास टोटल अमाउंट इतनी है तो उसमें से इतने जो पैसे हैं वो ए ए को मिल गए इतने पैसे बी को मिल गए इतने पैसे जो हैं वो सी को मिल गए अब पीछे कितने पैसे बचे हैं तो ये चीज़ें जो आप सिखा रहे हैं कि है तो कॉन्सेप्ट सीखा हुआ लेकिन उसकी मुख्तफ़ नोयीत की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसके साथ जब एक कॉन्सेप्ट को हम पूछते हैं तो उसको उस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई करना है इस सिचुएशन में तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जब हम जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ़ लर्निंग